अच्छा जी जनाब, तो मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है। मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा आज दिखाती हूँ जो मैंने अपना ये काम किया है, ये इसकी सेटिंग की है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से दिखाती हूँ। मैंने अभी इसकी डस्टिंग करना एक बड़ा काम हो गया, सारी चीज़ें निकाल के रखना, फिर दोबारा उसको डस्टिंग करके उसको रखना सारी चीज़ों को। तो बस अब फारिग हुई हूँ मैं चेंज वेंज करके। अब मैं रात का खाना भी बनाने जा रही हूँ, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आजकल मेरे पास और कोई मसरूफियत है नहीं, डस्टिंग, झाड़ू पोछा और खाना बनाने के अलावा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी जनाब, तो ये कुछ इस तरह है, ये पूरा ये है। इसमें ऊपर असाद में ये यहाँ पे एक छोटा बल्ब की जगह थी, वो लगा दिया। उप्स सॉरी, क्या गिरा, खैर व्हाटएवर। ये सबसे ऊपर वाले इसमें मैंने सारे परफ्यूम्स और ये वाली चीज़ें रख दी हैं। ये मेरा अवार्ड था। बाकी नीचे जो है ये स्किन केयर की चीज़ें हैं। ये मेरा सारा मेकअप का सामान है, मेरा टोटल मेकअप का सामान यही है। बाकी नीचे ये सारी चीज़ें रखी है मैंने। इसमें मेरे बैंड्स हैं, ये मैं कॉइन्स जमा करती हूँ उसका डब्बा है। बाकी ये मेरे ब्रशेज़ हैं और ये मेरा टूट गया है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो बस ये इस तरह है, इसको बंद कर देंगे हम। और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ड्रेसिंग मैंने खाली कर दी, ड्रेसिंग पे सिर्फ ये रखा हुआ है। बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा है अब मुझे के तरीके से सारी चीज़ें एक जगह आ गई हैं। अच्छा जी जनाब, तो मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पास्ता, जो कि है कविदास किचन। यार वो उस बंदी की मैं बहुत फ़ैन हूँ। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है उसके रेसिपीज़ में, कविता की रेसिपी में, कि वो जो चीज़ें बता रही होती हैं उसमें अगर कोई चीज़ वो बोलती जाती है कि भाई अगर आपके पास कोई इन्ग्रीडियंट नहीं है तो यू कैन स्किप इट, तो टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो मैं आज उनको बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पास्ता। मैं उनका लिंक भी सेंड करूँगी और आई एम गोना टैग हर ऑल्सो, आई लव हर, आई विश वो रिप्लाई करे मुझे कभी, क्योंकि मुझे, मैं बहुत कम लोगों की इतनी फ़ैन होती है। मुझे दो तीन यूट्यूबर्स हैं, एक पाकिस्तान की युसरा, बाकी इंडिया में मुझे संभावना सेठ और ये कविता किचन। बाकी यहाँ पे एक है मारिया करके है, मारिया उसका मैं लिंक्स इंशाल्लाह ताला आगे कर जिनसे इसकी जो जो चीज़ करती जाऊँगी बताऊँगी। तो मुझे ये वाले यूट्यूबर्स बड़े पसंद हैं, तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक होता है ना जो कंटिन्यूसली जिनको देखते हैं, अच्छे तो खैर बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छे नहीं हैं। हर बंदा मेहनत कर रहा है, इस वजह से काम तो सभी अच्छा कर रहे हैं और सभी अच्छे हैं, लेकिन जो एक मैं फ्रिक्वेंटली जिनको देखती हूँ वो ये लोग हैं। तो आज कविदास किचन की मैक्रोनी बनाऊँगी मैं। सब कामों से पहले, सबसे पहले मैं पीने जा रही हूँ चाय, क्योंकि आज सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, चाय बनाई थी लेकिन पता नहीं किस चक्कर में पीनी थी, फिर झाड़ू वगैरह सब कुछ करके अब मुझे टाइम मिला, तो पहले सबसे पहले चाय बना लूँ क्योंकि क्रेविंग हो रही है चाय की। बाकी मैं दिखाती हूँ जी जनाब। आ जाए मेरी कम दूध, बगैर चीनी और स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पत्ती वाली चाय आ जाए। आप लोग पी, वैसे वो बंदी हूँ जिसको अकेले चाय पीना पसंद नहीं है, मैं अकेले चाय अपने लिए बनाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत दिल चाह रहा था कि भी चाय पी ली जाए, तो मैंने बना ली। तो और मैं बहुत सारे लोगों के कहने पे मैं ज़बरदस्ती लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ कि यार चलो लिपस्टिक ख़त्म होंगी तो नहीं आएंगी ना, तो सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सही से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, आगे सबको शेयर करें मेरा चैनल, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो ना, मेरे चैनल को आगे सबको भेजें, आई नीड सब्सक्राइबर्स प्लीज़। जी जनाब, तो मेरे मैक्रोनी की जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है चिकन। चिकन मैंने लिए तकरीबन पता नहीं क्योंकि मैंने एक पैकेट बनाया था उसमें से मुझे अंदाजन मैंने ले ली। चिकन है, मैंने कैप्सिकम लिए, ये एक बड़ी वाली पूरी थी, एक गाजर ली है मैंने, एक अनियन है ये इसको बिल्कुल चॉप कर लिया, फाइनली चॉप कर लिया है, ये है लहसुन इसको भी, और मैं पैनी पास्ता यूज़ करूँगी इसके साथ। तो बाकी चीज़ें मैं बनाती जाऊँगी तो दिखाती हूँ। ओके जनाब, रेसिपी में एंड टाइम भी कुछ चेंजेस हुई हैं क्योंकि मेरे पास एक तो टमाटर नहीं है और चिली फ्लेक्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों बस मैं चिली फ्लेक्स यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब करती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने इत्तेफाकन सौदे में ली नहीं क्योंकि मिर्चें बहुत कम डालती हूँ मैं बहुत मिर्चें पसंद करती हूँ लेकिन असाद की वजह से मैं बहुत कम डालती हूँ इनकी वजह से। तो बस अब मैं आपको दिखाती जा रही हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ। सिर्फ दो चीज़ें उसमें कम हैं, बाकी सब कुछ वही है जो कविता ने बताई है मुझे। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स गर्ल। पहले जूम कर जाओ भाई। हाँ, मैंने पानी उबलने को रख दिया है, अब ये पानी उबल जाए फिर मैं आगे का आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए मेरी मेहनत चेक करें, मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के अभी स्टैंड निकाला ताकि मैं मैक्रोनी की रेसिपी सही से बता सकूँ, जबकि स्टैंड अभी टूटा हुआ है।
अल्लाह का नाम लेके मैंने उस पर अपना मोबाइल लगा रही हूँ, होप सो मोबाइल गिर ना जाए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सेट कैसे किया। ये रहा मेरा स्टैंड, ये मैंने रखा है चूल्हे पे, और ये रही मेरी मैक्रोनी उबल रही है, और ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ हुआ है, तो इसको अभी ये आएंगे तो इनको चेक कराऊंगी। बाकी लेट्स सी, मैक्रोनी उबलना शुरू हो गए हैं, मैं मिलती हूँ आपको जल्दी से। ये बेचारे मेरे मियाँ, बालों का हाल पता नहीं कब कटवाएंगे, बाल कब कटवाएंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, हमारे आज रात में आ रहे गेस्ट। ये रहा पास्ता, ये रहे मेरे मियाँ, और अब ये बताएंगे कैसा बना है। ये खांसी के साथ ये पका ना। जी जनाब, तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 3, बिल्कुल 3 बज रहे हैं। खाला वगैरह आ गए थे और भैया भाभी आ गए थे, थोड़ा मज़ा आया, हंसी मजाक उतारा। खाला फर्स्ट टाइम मेरे इस घर में आई थी, और इंशाल्लाह ताला मैं मुनीजा भाभी वगैरह भी इंशाल्लाह ताला जल्दी आएंगे तो फिर उन लोगों से मिलवाऊंगी। एक्चुअली मेरे घर में और उनके घर में डिफरेंस रास्ते का बहुत ज़्यादा हो गया, तो भाई का ऑफिस था इसलिए इट वॉज़ नॉट ईजी टू कम अलोन, तो इस वजह से वो नहीं आ सकी। बाकी बस 3 बज रहे हैं और साथ साथ को लग गई भूख, तो मुझे उनको मैगी वैगी नहीं खाना था, कुछ नहीं करना था, उनको भी थोड़ा सा काम करना है। मैंने चल पूछा क्या करूँ, कहीं उस लाइफ के मुझे अंडा ही बना दूँ, मैं उनको अंडा और 2 ब्रेड सेक कर दे रही हूँ। आप लोगों से मैं अपनी इजाज़त इस ब्लॉग का एंड में यही करूँगी इस बात के साथ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को, क्योंकि और भी मैं इंशाल्लाह चीज़ें करने लगी हूँ। मेरे जो लुक्स की वीडियोस हैं, इंशाल्लाह लुक्स की क्या, मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कोशिश करती हूँ, जो डेली बेसिस में कहीं जाती हूँ तो करती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं सॉरी, जो आम कहीं आती जाती हूँ, और कुछ लुक्स वगैरह भी। शादी का कार्ड आ रहा है इंशाल्लाह ताला, मैं शादी में जो तैयार होंगी, अगर मैं गई तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हेल्प मी टू ग्रो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।